इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस या बाहमी मुआफिकत की बात करेंगे, यानी दो मुसल्लस मुआफिक या बराबर हैं या नहीं। और ये देखने के लिए हम SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या उसूल लगाएंगे, जिसके तहत अगर दोनों मुसल्लसों के दो अजला, ये और ये दोनों अजला और इन अजला के बीच में बनने वाले एंगल अगर बराबर हैं तो ये दोनों मुसल्लस मुआफिक हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी आपको पता करने की जरूरत नहीं है तीसरी साइड और बाकी के दो एंगल भी बराबर होंगे। या आप AAS क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें तो ASA कह लें, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि अगर दो मुसल्लसों के दो एंगल और उनके दरमियान पाई जाने वाली लाइन, दो एंगल और उनके दरमियान पाई जाने वाली लाइन बराबर हैं तो ये दोनों मुसल्लस मुआफिक या कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात यह है कि दो एंगल अगर बराबर हैं तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा ही, मगर इससे बात पूरी होती नहीं है, क्योंकि एंगल बराबर हो तो मुसल्लस बहरहाल छोटे या बड़े हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही 60 डिग्री वाली लाइन अगर मैं और बड़ी कर दूं और ये 50 डिग्री वाली लाइन भी और बड़ी कर दूं और ये साइड भी बड़ी हो जाएगी, तो सिर्फ एंगल्स की बात नहीं है, एक साइड का बराबर होना भी जरूरी है, तो बाकी दो साइडें भी बराबर निकल ही आएंगी। यानी अगर दो एंगल और एक साइड भी अगर बराबर हुई तो फिर तय है कि दोनों मुसल्लस बराबर होंगे ही। अच्छा, फिर एक खास किस्म का मुसल्लस कायमुज़ाविया मुसल्लस है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, जिसमें अगर राइट एंगल यानी ये 90 का जाविया, हाइपोटेन्यूज जो कि 90 के जाविये के सामने होती है, और एक और साइड ये होगी या ये भी हो सकती है, मगर एक और साइड अगर बराबर हो तो ऐसे दो मुसल्लस मुवाफिक या कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, और इस उसूल को RHS क्राइटेरिया कहा जाता है। यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और दूसरी साइड, मतलब अगर SSS या फिर SAS या फिर ASA या चाहें तो AAS कह लें से या फिर RHS, इन चार कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया या मुवाफ़कत के उसूलों पर दो मुसल्लस अगर पूरे उतर रहे हों तो दोनों मुवाफ़िक या कॉन्ग्रुएंट मुसल्लस कहलाते हैं।